दोस्तों, इंडोनेशिया का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, तभी अचानक लोग नमाज छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन आगे जो होता है वो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, ये वीडियो इंडोनेशिया की एक मस्जिद के अंदर का है, जहाँ नमाज हो रही है। इमाम साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और काफी तादाद में लोग इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए इमाम साहब के पीछे नियत बांधे खड़े थे, लेकिन तभी अचानक मस्जिद में जलजला आने से लोग भागना शुरू कर देते हैं और यूं हल्के हल्के पूरी मस्जिद खाली हो जाती है। बराबर में खड़ा ये शख्स लोगों को बड़ी हैरत के साथ भागते हुए देखता है, मगर अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। चाहता तो यह भी औरों की तरह नमाज छोड़कर भाग सकता था, लेकिन इसे अपने रब पर पूरा भरोसा और यकीन था। अगर मौत मस्जिद के अंदर आ सकती है तो मौत मस्जिद के बाहर भी आ सकती है, मगर ये अपने अपने ईमान की बात होती है। दोस्तों, नमाज इस्लाम का बुनियादी अरकान है। जिसने इसको कायम किया गोया उसने दीन को कायम किया, और जिसने इसको तर्क कर दिया उसने दीन की इमारत को गिरा दिया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का नमाजी बनाए। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक